एक तरह से देखिए तो बिजली विभाग के जो बढ़रिया के जेई हैं वो जूनियर इंजीनियर नहीं है, वो FIR करने वाले इंजीनियर हैं जिनको विभाग ने बना के भेजा है। आप कुछ आपको ये सिखा के चले गए कि अगर कोई बात नहीं सुनता है तो सत्याग्रह करो, और बढ़रिया एक दिन सत्याग्रह के लिए विवश हो जाएगा, फिर पदाधिकारियों की खैर नहीं होगी। देख रेख के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, और ये सूचना गाहे बगाहे आप लोगों को भी मिलती होगी कि ये कालाबाजारी करके प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3,000 से 3,500 रुपये तक की वसूली की जाती है, और हमारे बच्चों का जो मुंह का आहार है, जो दूध है, जो अंडा है, जो पोषक तत्व है, उसको बेचकर और CDPO के यहाँ और जिला में ऑफिस में जाता है पैसा, और आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं चलाया जाता। पैसा नियम के विरुद्ध है, पैसा ले लिए हम जूनियर हैं तो क्या है, हम पावर में रहेंगे, हम प्रभार रहेंगे। हमने पिछले 2 साल पहले ये बात उठाई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे कनिये लोग प्रभार। इलेक्ट्रिसिटी और शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पे बातचीत हुई, लेकिन थोड़ा ग्रीवेंसेस जो भी विषय पे था हम लोग इस पे आगे प्रोसीडिंग के माध्यम से जिला वरीय पदाधिकारी को अवगत कराए। हमने कृषि पदाधिकारी से यही रिक्वेस्ट किया प्रमुख महोदय के माध्यम से कि चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। है वो बिजली का, आप भी जानते हैं कि बिजली की क्या समस्याएँ हैं, कैसे बिजली से लोग परेशान हैं, बिजली विभाग में जो स्थापित कर्मी हैं उनका रवैया क्या है। BA BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप BDC हैं, आज सदन का बैठक था, तमाम अधिकारी गण आए थे सरकारी के, और जो भी BDC सदस्य थे तमाम लोग आए थे, क्या क्या मुद्दाएं रखी गई चूँकि आम जनता को बताया जाए। देखिए आज बैठक में सरकार द्वारा स्वचालित लगभग टोटल 45 योजनाएं हैं जो प्रखंड में संचालित की जाती हैं। उन 45 योजनाओं में कुछ एक ऐसा योजना है जिससे आम ग्रामीण परेशान हैं, उनको वो फायदा नहीं मिल पा रहा है, या फिर पदाधिकारी वैसे नहीं है जो दे पा रहा है। तो उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएँ हुई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है वो बिजली का है। जी आप भी जानते हैं कि बिजली की क्या समस्याएँ हैं, कैसे बिजली से लोग परेशान हैं, बिजली विभाग में जो स्थापित कर्मी हैं उनका रवैया क्या है। एक तरह से देखिए तो बिजली विभाग के जो बढ़रिया के जेई हैं वो जूनियर इंजीनियर नहीं है, वो FIR करने वाले इंजीनियर हैं जिनको विभाग ने बना के भेजा है। आप कुछ भी पूछिएगा, कोई भी बिजली संबंधित बात कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2.5 से 3 सालों में पंचायत समिति का जितना बार भी बैठक हुआ है एक बार भी जेई महोदय की उपस्थिति नहीं हुई। इस रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रोसीडिंग में बार बार इस सवाल को रखा है, जो प्रखंड से लेकर जिला तक और संभवतः स्टेट तक उनके विभाग को गया, लेकिन आखिर जेई महोदय कौन सा पावर रखते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आम जनता त्रस्त है, दिन हो या रात हो बिजली नहीं है, कहीं पोल की समस्या है, कहीं तार की समस्या है, किसी को करंट लग गया, कुछ भी कह लीजिए, जैसे आप फोन नहीं उठाएंगे आपका काम नहीं करेंगे। ये मुद्दा रखा गया, बोला कि FIR कर देते हैं कोई भी आवाज उठाता है तो। हुआ है FIR किसी पे? सैकड़ों लोगों पे FIR हुआ है उनके कार्य क्षेत्र में, और स्पेशली वैसे जन प्रतिनिधि लोग जो किसी गरीब की पैरवी करने जाते हैं कि ये समस्या है थोड़ा जैसे आप देख लीजिए, तो विशेषकर उन लोगों पे ज्यादा FIR की धमकी दी जाती है। FIR होता भी है, आप देखें कि अभी बैठक में हमारे थाना प्रभारी महोदय उपस्थित थे, उनके सामने ये बातें हुई, और हम सभी लोगों ने ये कहा कि सर आप प्लीज़ हमारी थोड़ी सी रियायत सुनिएगा कि जब भी बिजली विभाग की तरफ से कोई FIR जाए तो संबंधित जो उस पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि से उनको द्वेष है, सारे लोगों से उपद्वेष है। जब भी बिजली से संबंधित सवाल उनसे किया जाएगा वो FIR करेंगे, आपका लाइट काट देंगे। यही इतना लोगों को प्रताड़ित करता है, लेकिन कभी कोई नेता या जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ में कभी प्रदर्शन भी नहीं करता। सर जी यही तो बात है कि अकेले सारे लोग मारे गए हैं, जो प्रतिनिधि उनके खिलाफ बोलेगा उनके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। और मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि अभी आपके सामने मैं JEE के खिलाफ बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल मेरे ऊपर भी FIR हो जाए, ये समस्या है। हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि इस लोकतांत्रिक देश में जब जहाँ एक प्रधानमंत्री तक जिम्मेदार है और उसको जनता के सवालों का जवाब देना है, वो JEE किस पावर से हमारे यहाँ कार्यरत है जो किसी भी पदाधिकारी की बात नहीं सुनता है, केवल जनप्रतिनिधि की नहीं किसी पदाधिकारी की भी बात नहीं सुनता है।
आप किसान के मुद्दों पर क्या बात हुआ है? देखिए, किसान के मुद्दों पर कृषि पदाधिकारी अपने यहाँ आए हुए थे। हमने उनसे कहा कि जो किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं और हमारे बिहार में स्पेशली सिवान में बहुत सारे लोग हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा संचालित तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें उन्नत किस्म के बीज हो, उन्नत किस्म के उर्वरक हो या फिर ट्रैक्टर हो, उस और कृषि करने हेतु और भी यंत्र है, ये सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन ये जनता तक नहीं पहुँच रहा है। और पहुँच भी रहा है तो कुछ एक लोगों का अधिकार है, मोनोपोली है कृषि विभाग में, कुछ एक लोग हैं जो फ़ायदा लेते हैं लेकिन गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। हमने कृषि पदाधिकारी से यही रिक्वेस्ट किया प्रमुख महोदय के माध्यम से कि चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, लोग जानेंगे तभी तो फ़ायदा लेंगे ना, तो जानने के अभाव में लोग फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। एजुकेशन पर क्या कुछ बातें? देखिए, एजुकेशन के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत पर्सनली इससे इंटरेस्टेड रहता हूँ एजुकेशन में, पढ़ा लिखा लोग होगा भी और मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने देखा है पिछले 10-11 वर्षों से, कुछ एक डिकेड्स से, कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार में सबसे बजट में ज़्यादा अगर राशि किसी क्षेत्र में दी जाती है तो एजुकेशन। पिछले के बजट में आपने देखा होगा, पिछले बजट में 23-24 में 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि शिक्षा विभाग को दी गई थी। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया शिक्षक हैं, पोशाक है, पैसा है, किताब है, पेंसिल है, सब कुछ है, वजीफा है। उसके बाद भी हमारे यहाँ बच्चे ड्रॉपआउट्स की संख्या बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो बड़हरिया के बीओ साहब हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हम लोगों के पंचायत समिति में 7 अस्थाई समितियों का गठन होता है जिसमें एक शिक्षा समिति भी है। आपके बीओ साहब जो हैं बड़हरिया के हैं, वो पिछले 2.5 सालों से रेगुलर बेस पर उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक बार भी उन्हें शिक्षा समिति का उन्होंने बैठक तक नहीं कराया। आप बताइए कि उस शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अंदर देखिएगा, अंदर खानों में देखिएगा, तो बड़हरिया प्रखंड में 26 ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे वरीय शिक्षक रहते हुए कनियों को प्रभार दिया गया है, यानी कि जो सुपीरियर शिक्षक हैं, जो उनसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको छोड़ करके और जूनियर को वहाँ पदभार दे दिया गया है। मतलब क्या है? पैसा नियम के विरुद्ध है। पैसा ले लिए, हम जूनियर हैं तो क्या है, हम पावर में रहेंगे, हम प्रभार रहेंगे। हमने पिछले 2 साल पहले ये बात उठाई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे कनिये लोग प्रभार में, ये व्यवस्था है। हमने उनसे आंकड़ा पेश किया, आवाज उठाई थी कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। किसकी? शुद्ध पेयजल का। देखिए, हमने ये कहा था, आप लोग शायद उपस्थित होंगे हमारे पहले मीटिंग में भी, हमने कहा था कि सिवान में विशेषकर तरवारा और बड़हरिया मुख्य मार्ग पर जो भू जल है, जो पीने के योग्य पानी है, उसमें बहुत मात्रा में आर्सेनिक, यूरेनियम और आपको आयरन पाया गया है। और यूरेनियम कैसा वाला? यूरेनियम 235 का कण पाया गया है जो कैंसर का द्योतक है, और उसको हम लोग पी रहे हैं। मैंने आंकड़ा एक पेश किया, बीबीसी का है, दैनिक जागरण का है, तो उसके जरिए पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ बेतहाशा रूप से कैंसर पेशेंट बढ़े हैं, कैंसर की मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इसी को देखते हुए शायद विभाग ने ये तय किया था कि पिछले लोकसभा के पहले, चुनाव के पहले 200 समर सेबल प्रत्येक मिडिल स्कूल में लगा देना है ताकि बच्चे शुद्ध पानी पी सकें। 300 फीट की गहराई तक समर सेबल लगाना था, 200 नहीं हुआ, 50 तय किया गया, 50 भी नहीं हुआ, 16 तय किया गया, 16 तो हुआ, लेकिन मात्र 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां शुद्ध पेयजल मिल रहा है। उसके अलावा सारे विद्यालय में हमारे और आपके गरीब बच्चे आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन युक्त पानी पीने के लिए विवश हैं, जो कहीं ना कहीं कैंसर का द्योतक। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे पानी में जो मिले हुए हैं, इनसे बचाने के लिए नल जल योजना शुरू किया। 250-300 फीट वो हले हुए हैं, क्या वो नल जल योजना का लाभ आम ग्रामीण को मिल पा रहा है? देखिए, नल जल योजना, ये सही बात है, पंचायतों के माध्यम से दिया जाना था, बहुत सारे पंचायतों में नल जल योजना गड़ा भी, लेकिन शायद वो उसका प्रकार इस टाइप का है, उसका सिस्टम इस प्रकार से है कि 400 फीट तक की गहराई का बोर तो किया गया है, लेकिन उसके बाद से पानी निकलने के बाद से जो डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप है वो शायद इन्फीरियर क्वालिटी होने के चलते पाइप जगह जगह फट गया है। नल का जल चलता भी है तो आपके नल तक उसकी पानी नहीं पहुंच पाती है, यही कारण है। ये तो अंतिम में गिरेगा सवाल, और कि
हालांकि इस मुद्दा आपने उठाया, हम लोगों ने सुना था मीटिंग में, तो जो आंगनबाड़ी वाला होता है, आंगनबाड़ी जो है बच्चे पढ़ते हैं, दो टाइम खाना खिलाया जाता है, इस पर आपने क्या आपने प्रस्ताव रखा प्रमुख साहब के पक्ष में? देखिए इस बैठक में, हालांकि पिछले भी बैठक में मैं कई बार कह चुका हूँ, और ये सौभाग्य की बात थी कि हमारी प्रमुख मैडम महिला हैं, और CDPO कभी आंगनबाड़ी केंद्र की जो CDPO हैं वो कभी हमारे मीटिंग में उपस्थित नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो प्रतिनिधि भेजी थी वो भी महिला थी, कोई LS थी, लेडी सुपरवाइजर। तो हमने दोनों आदमी को मुखातिब करते हुए बोला है कि जानती हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाया गया है, ये 0 से 6 साल के बच्चे और उनकी माओं को देखभाल करने के लिए, उनको आपको पोषित आहार देने के लिए, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। और बड़ी अफसोस की बात है, देखिए सरकार कितना गंभीर है इसके प्रति, कि आंगनबाड़ी केंद्र के मालिक को, उसके संचालक को महिला को बनाया गया कि आप बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को समझ सकें, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 372 जो आंगनबाड़ी केंद्र है बढ़रिया में संचालित है, उसमें माने ज़्यादा से ज़्यादा 300 की संख्या में ओरिजिनल संचालित है, 50 से 70 ऐसे हैं जो पेपर पे संचालित हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि वैसे केंद्र जहाँ पर संचालन नहीं हो रहा है सही से, वहाँ के हमारे बच्चे जो 0 से 6 साल के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर उन कुपोषित होते हैं तो उनको कौन देखेगा? अगर उनको कोई गंभीर बीमारी होती है उनको कौन जांच करेगा? अगर वहाँ की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको तरह तरह की जो फैसिलिटी दी जानी है वो नहीं दिया जा रहा है। मैंने टोटल रूप से मैडम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बच्चों की और महिलाओं की देख रेख के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, और ये सूचना गाहे बगाहे आप लोगों को भी मिलती होगी कि ये कालाबाजारी करके प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3,000 से 3,500 रुपये तक की वसूली की जाती है, और हमारे बच्चों का जो मुंह का आहार है, जो दूध है, जो अंडा है, जो पोषक तत्व है, उसको बेचकर और CDPO के यहाँ और जिला में ऑफिस में जाता है पैसा, और आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं चलाया जाता। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आप लोग लगातार अपना सवाल करते हैं, संबंधित तो अधिकारी भी नहीं आते हैं, तो फिर आप लोग जब कार्रवाई आपकी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त है कि BDC जो भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं वो पंचायत स्तर पर उनका अधिकार है, और ये हमारा सदन ही हमारा मंदिर है, हम अपने जनता की आवाज़ को, अपने क्षेत्र की आवाज़ को सदन में आके उठाते हैं। नियम ये है कि सदन में आपकी बातों को लिखा जाता है, ठीक है, और लिखने के बाद से, चूँकि सदन का एक मेंबर आपका MLA भी होता है, एक MP भी होता है, खुदा ना खास्ता अगर ये समस्या यहाँ नहीं सुलझता है तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, वो विधानसभा में जाएगा, वहाँ मामला नहीं उठता तो यही जो MP हमारे यहाँ का सदस्य है वो लोकसभा तक हमारी बात को उठाएगा। तो ये एक चेन सिस्टम बना हुआ है ऊपर तक जाने के लिए, हमारा काम यहाँ बोलने का है, और यहाँ प्रोसीडिंग तैयार होता है और पदाधिकारियों के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका जो बात है वो ऊपर तक गया है। अब रह गया कि अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने हमको ये सिखा के चले गए कि अगर कोई भी बात नहीं सुनता है तो सत्याग्रह करो, और बढ़रिया एक दिन सत्याग्रह के लिए दिवस हो जाएगा, फिर पदाधिकारियों की खैर नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद आलम, BDC हरदोबारा, क्षेत्र संख्या 30। सर बढ़िया में आप नए प्रधान हैं, पहले आपने छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं यहाँ पे 11 तारीख को योगदान किया हूँ और अभी यहाँ पे हूँ। इससे पहले सर आप कहाँ थे? इससे पहले दरियापुर सारण जिला में थे। आज सर पंचायत समिति के जितने सदस्य हैं उनका बैठक हुआ, आप सब लोग थे, अधिकारी भी थे, किन किन बिंदुओं पर आज बात हुई है? इसमें पंचायत समिति के मुख्य बिंदु पे ये इलेक्ट्रिसिटी और शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पे बातचीत हुई, लेकिन थोड़ा ग्रीवेंसेस जो भी विषय पे था हम लोग इस पे आगे प्रोसीडिंग के माध्यम से जिला वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दें।